हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू होम स्पेशलिस्ट। देखिए, मैंने सारी छत को धो दिया है अच्छे से और मैंने खाना डाल दिया उधर साइड, ताकि उधर ही खाना खा सके। उधर नाली के साइड खाना डाला है ताकि मतलब बारिश भी आ जाए तो थोड़े से डाले हैं चावल, ही तो खा लेंगे अभी ये। और जो अब मैं और चावल डालूंगी इनको, तो मैं इस साइड डालूंगी ताकि देखिए गीले चावल है ना, तो अगर बारिश भी आ जाए तो छत अपने आप से साफ़ हो जाए, इसलिए इधर साइड खाना डाला आज मैंने इनको। और ये देखिए अब खा रहे हैं बने हुए चावल, बचे हुए चावल घर में जो नीचे बच जाते हैं। और हमारा रावण वहीं पर खाना खा रहा है, वो जा नहीं रहा उधर साइड, उधर जाना चाहिए उसको ताकि वो भी खा सके उनके साथ। देखिए पूरी छत क्लीन कर दी है, बारिश आने की संभावना है लेकिन बारिश आ नहीं रही है। अब एक एक दिन ही आई थी बस अच्छी बारिश, फिर तो ऐसी झूठ झूठ की बारिश आ रही है। देखिए है ना, सारी छत अच्छे से क्लीन किया मैंने, इसीलिए मैंने उधर साइड खाना डाला कि बारिश भी आ जाए तो ये जो बचा कुचा खाना, जो चावल जो पके हुए चावल, वो तो साफ़ हो जाएगी छत, और थोड़ा सा उधर डाल दो ताकि मेरे कबूतर भी खा ले, जंगली कबूतर, वो भी तो खाते हैं ना। मतलब घटा है, बारिश होएगी नहीं इतना मुझे पता है। और देखिए अब रावण भी खाने लग गया है बत्तों को, उनके साथ मुर्गियों के साथ, वैसे ही जैसे ही खाने खाती हैं मुर्गियों की तरह ही इसका लाइफ स्टाइल हो गया। पानी भर दिया है साफ टंकी में से, देखिए अंदर की सफाई अभी बाकी है फ्रेंड्स, अंदर की नहीं की है, उसे हम बाद में करेंगे। अब ये एक ही मुर्गा बचा है, ये जो छोटे छोटे से मुर्गे हैं ना, जो फोर इडियट्स हैं, इसमें भी थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं अब, हाइट में नहीं बड़े ये, बट एज में तो हो गए हैं बड़े। तो जैसे अब थोड़ी थोड़ी सी अजान सी देने लगा इसमें से एक मुर्गा, जिसकी जो दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये नहीं जो उधर साइड है, और ये अभी जो ये फोर जो बच्चे हैं, ये चार बच्चे जो हैं अभी, जो इनमें थोड़ा सा जो हाइट में बड़ा वाला मुर्गा, जो मुर्गा है ना ये छोटा पप्पू, तो ये इनको भी मारने लग गया है। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया ना वाला मुर्गा है, फोर इडियट्स में से एक है, और तो ये इनको भी मारने लग गया। देखिए नाली साफ़ कर दी ताकि कचरा ब्लॉक ना हो नाली, तो ये इनके भी पीछे लगने लग गया, इनको भी मारने लग गया, इनसे भी जलने लग गया। एक की तो उसने टांग तोड़ ही दी है, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो तो लगता है मुश्किल ही बचेगा, बचेगा नहीं वो। और उसे मैं वहीं पे खाना डाल देती हूँ, बिल्कुल ही इतना अच्छा था वो, देखा नहीं आपने शुरू की वीडियो में, ये पप्पू लगता था उसके सामने और वो बड़ा था। अब पता नहीं से क्या हुआ, वो बेचारा बीमार सा हो रखा, बीमार नहीं पता नहीं से क्या हो गया, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी बीमारी तो मुझे भी समझ में नहीं आती इनकी क्या बीमारियाँ इनको हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो मुझे भी नहीं पता। बारिश के मौसम की बीमारियाँ इनकी अलग होती है, गर्मियों के मौसम की इनकी बीमारियाँ अलग होती है, और सर्दियों के मौसम की इनकी बीमारियाँ अलग होती है। अब बारिश के मौसम में ऐसा होता है ना, जैसे ज़मीन में नमी हो जाती है ना, तो वैसे तो मेरे यहाँ तो ऐसी बात है नहीं, मैं तो खुद ही रोज़ धोती हूँ छत को, बट अंदर कमरे में रेत डाल के रखा हुआ है, और हरे पत्ते भी मैं अंदर ही डालती थी क्योंकि मुरझा जाते हैं ना पत्ते, देखिए है ना, जैसे अंदर ही डाल देती हूँ मैं, तो कुछ तो इसमें भी नमी समी हो जाती होगी, इनमें नहीं तो रेत वाले में हो जाती। तो वो मुर्गे ने कुछ ऐसा खा लिया है कि शायद कुछ के पेट में कुछ ऐसा चला गया है कि वो मतलब बीमार सा हो गया है, या फिर उसकी टांग की हड्डी टूट गई है, या पता नहीं कौन सी बीमारी भाई हुई है। देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नमी हो जाती है ना, कीचड़ हो जाती है, जब पानी हम बिखेरते हैं ना उधर साइड ले जाकर, थोड़ा सा पानी छलक जाता है। तो देखिए मैंने उधर बिठाया था उसे क्रेट में, एक अंडा इधर दे रखा है, देखिए मैंने यहीं बिठा दिया था क्योंकि वो दूसरे वाला मुर्गा इसको मारे जा रहा था। अभी ऐसा लगता है बिल्कुल ख़त्म ही है, बिल्कुल ये बचा ही नहीं मैं कुछ, थोड़े चावल मैंने उसके पास डाल दिए ताकि वो खा ले, और दो अंडे यहाँ पर हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही अंडे मिलते रहते हैं, लेकिन अंडों का कलर भी अलग अलग होता है, कभी वाइट कभी थोड़ा थोड़ा वाइट होता है, कभी 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 गुलाबी से होता है, कभी कभी डार्क हो जाता है कलर इनका। देखिए वहाँ बैठा है गोलू हमारा, तो चलिए अंडे उठाते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि अंडे जो वाइट होते हैं वो देसी नहीं होते हैं, वाइट अंडे देसी नहीं होते हैं, और जो और कलर में होते हैं जैसे ये डार्क और लाइट कलर, ये देसी होते हैं।
तो देसी और बॉयलर चिकन के अंडे जो होते हैं वो उनमें बहुत फ़र्क होता है। वो मोटे होते हैं, ये छोटा होता है, और वाइट जो होता है वो कड़कनाथ का हो सकता है। तो देखिए एक मुर्गी यहाँ बैठी है अभी अंडे के लिए, ये अंडा इस पे देगी नहीं, बैठी है भगा दी मैंने। ये कड़कनाथ की मुर्गी है, कड़कनाथ की मुर्गी है, और ये दूसरी मुर्गी का अंडा है, इसका नहीं है वो, क्योंकि कड़कनाथ की मुर्गी का अंडा बहुत छोटा होता है, वाइट होता है। और देखिए ये बड़ा अंडा था, तो ये दूसरी मुर्गी के अंडे बैठी थी, और शायद वो अब अंडे देगी तो इसलिए वो वहाँ बैठी थी, और ये भाग गई बाहर मेरे उठाने से ही उठ गई है। देखिए तो ये कलर इनके अंडों के अलग अलग होते हैं। कभी कभी जो थोड़ी पुरानी मुर्गी है वो बहुत मोटे अंडे देती है, जो अभी छोटी छोटी सी मुर्गियाँ हैं वो छोटे अंडे देती है। अंडों के साइज़ भी छोटे बड़े होते हैं, जैसे अलग अलग अंडों साइज़ होते हैं, कलर भी इनके अलग अलग होते हैं। मगर मैं अगर पहचान के बारे में बताऊं तो बॉयलर चिकन का अंडा थोड़ा बड़ा होता है, इनका छोटा होता है। और अब तो ये छोटे बड़े कुछ भी हो, ये बिक ही नहीं रहे हैं, सो घर में ही खाए जा रहे हैं सारे अंडे। और देखिए इधर ये कुछ खाने बैठ गई मुर्गी, खाना उधर भी खा रही हैं। तो ये गंदगी, वैसे भी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक हो सकता है साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, हो जाती है, कुछ ना कुछ तो ये खा ही लेती हैं ऐसा। अब रेत में भी पानी मैं नहीं डाल रही, क्योंकि पहले से नमी हो रखी है वातावरण में, बारिश नहीं है लेकिन नमी से तो हो गई ना, तो अब रेत में पानी नहीं डाल रही मैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं रेत पे पानी डाल देती हूँ, ताकि ये आराम से उसमें बैठ सके। अब देखिए ये अंडा इसने नहीं दिया तो इसलिए परेशान है, ये अंडे देने के लिए बैठेगी अब कहीं ना कहीं जाके, ये दूसरों के अंडे पे ही बैठी थी। और एक ये खरगोश हमारा, एक खरगोश के पता नहीं क्या हुआ है, पीछे जख्म हो गया है पता नहीं कैसे। देखिए ये रहे हमारे रेडियस 4, तीन हो गए, एक इधर साइड है 4। अभी हाइट में नहीं बढ़े हैं लेकिन अजान देने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ये एक कर रहा है इसमें से। और वो जो वाइट वाला मुर्गा है ना, ये सफ़ेद एक ही जो बचा है, ये इनके पीछे भी ऐसे ही पड़ने लग गया जैसे उसके पीछे पड़ता था मारने के लिए। तो इनकी भी टांग तोड़ दे तो ही रह लियो बस इस संसार में। किसी दिन मैं इसे ही सेल करूँगी, ये बहुत कमीना मुर्गा है, दूसरा लेकर डालूँगी, सबको मारता रहता है ये। देखिए तकरीबन तकरीबन इन्होंने सारा ही खा लिया है अब। और इस पर मतलब जैसे लास्ट में जो बचता है ना वो चावल का पानी सा, तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर इस पर पानी डाल के जाऊँगी मैं। और देखिए मेरा रावण, अब बहुत परिवर्तन आ गया इस रावण में भी। देखिए तो मुर्गी अभी सारी बेसुरी सी हो गई हैं, अब इसमें नई ब्रीड लेकर डालने की आवश्यकता है, लेकिन लाऊंगी। बस क्या है, बारिश गर्मी की वजह से नहीं ला पा रही हूँ, कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कभी मौसम सही से हो जाता है। लेकिन हाँ वो पहली वाली गर्मी अब नहीं रही, जैसे भाई पहले तो आग जलाने वाली गर्मी हो रही थी, अब चिपचिपी सी गर्मी हो गई है। देखिए यहाँ गीला हो ना साइड में, ऐसे पानी चेंज करने से हो जाता है वो गीला। अब देखिए बैठने के चक्कर में है कि मैं कहीं अंडे दूँ बैठ के, तो वही बैठने की कोशिश कर रही है ये। तो मैं कह रही थी फ्रेंड्स, एक खरगोश को पता नहीं क्या हो गया, ये दो हैं एक हो रहा है जख्मी हो गया, पता नहीं किस चीज़ ने उसको काट लिया है, क्या है कि आपस में लड़ लड़ के इन्होंने घायल कर लिया है। तो निकल ही नहीं, बाहर बाहर नहीं निकल रहा, जाल के अंदर है वो और निकल नहीं रहा बाहर, तो कैसे लगाऊँ उसे, दवाई लगानी है उस पर मुझे, हाथ नहीं आते हैं, भाग जाते हैं ये शैतान। एक तो वो मुर्गा भी एक आध दिन में मर ही जाएगा, लगता है मर ही जाएगा एक आध दिन में, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा उसे हो क्या रहा है, कि केसर भी ख़राब हो गई है, पंख भी अपने आप से टूट टूट के गिर रहे हैं, इसी इसी ने मारा उस कुत्ते ने इसको। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।